नदी की पूजा होती है। इस मंदिर में महीना आने पर नदी का रंग लाल हो जाता है। जी आपने बिल्कुल सही समझा, हम कामाख्या देवी मंदिर की बात कर रहे हैं। तो क्या है इस मंदिर की सच्चाई, जो यहाँ पर दुनिया की सबसे अजीबोगरीब तरह से पूजा होती है? क्या वाकई में इस मंदिर में कई सारे रहस्य छुपे हैं? और आखिर इस मंदिर में लाखों अघोरी काली शक्तियों की पूजा क्यों करते हैं? आज के इस वीडियो में मैं यानी आपका दोस्त विशाल प्रजापति आपके सभी सवालों के जवाब देने वाला हूँ। बस मेरे साथ वीडियो के बिल्कुल अंत तक बने रहिए। लेकिन हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें। और साइड में बेल आइकन भी दिख रहा होगा, उस पर भी क्लिक कर लें, ताकि आपको वीडियो मिले सबसे पहले। असम की राजधानी दिसपुर से थोड़ी दूरी पर मौजूद एक ऐसा मंदिर है, जहाँ पर साल में एक बार दुनिया भर के तांत्रिक और अघोरी इकट्ठा होते हैं। जी हाँ, दिसपुर से बस 6 किलोमीटर की दूरी पर स्थित नीलांचल पर्वत पर माँ भगवती कामाख्या का सिद्ध शक्तिपीठ मौजूद है। ये मंदिर स्थिति के 51 शक्तिपीठों में सबसे ऊंचा स्थान रखता है, क्योंकि यहीं पर भगवती की महामुद्रा यानी कि यूनिकॉर्न स्थित है। इसे लेकर दो तरह की कहानियां प्रचलित है। एक तरफ तो कहा जाता है कि वही जगह है जहाँ माता सती ने भगवान शंकर के साथ कुछ प्रेम भरे पल बिताए थे, वहीं दूसरी तरफ ये कहा जाता है कि जब भगवान शिव ने माता सती को अपनी गोद में उठाया था, तो उनके शरीर के हर एक टुकड़े दुनिया के अलग अलग जगहों पर गिरे, और जो यूनि वाला हिस्सा था वो नीलांचल पर्वत में जाकर गिरा। तभी से इस पर माता की पूजा की जाती है। असल में देवी सती के पिता दक्ष ने एक महायज्ञ आयोजित किया था, जिस यज्ञ में दक्ष ने सती और शंकर को आमंत्रित नहीं किया। भगवान शंकर नहीं चाहते थे कि सती उस महायज्ञ में जाए, क्योंकि उन्हें आमंत्रण नहीं मिला था। इसलिए शंकर जी ने सती को वहाँ जाने से रोका। इस बात पर दोनों में बहस हुई और देवी सती अकेले उस महायज्ञ में चली गई। वहाँ उनके पिता दक्ष ने शिव जी का बहुत ज्यादा अपमान कर दिया। अपने पति के अपमान को देवी सती सहन नहीं कर पाई और यज्ञ के हवन कुंड में कूद कर उन्होंने अपना जीवन त्याग दिया। जब इस बीच भगवान शिव को पता चली तो वो बहुत ज्यादा क्रोधित हो गए। शिव जी उस जगह पर पहुँचे जहाँ पर यज्ञ हो रहा था। उन्होंने सती के मरे हुए शरीर को आग से निकाला और अपने कंधे पर रख लिया और अपना खतरनाक रूप लेते हुए तांडव शुरू कर दिया। भगवान शंकर के क्रोध को देखते हुए भगवान विष्णु घबरा गए और उन्हें समझ में आ गया था कि अगर कुछ न किया तो भगवान शंकर अपने क्रोध से प्रलय ले आएंगे। इसी वजह से भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र को छोड़ा, जिसकी वजह से देवी सती का शरीर 51 टुकड़ों में बटकर अलग अलग जगहों पर गिर गया, जिन देवी के 51 शक्तिपीठों के रूप में जाना जाता है। और जिस जगह पर माता सती की योनि गिरी थी, उसी जगह को कामाख्या देवी का नाम दिया गया, और इसी वजह से यहाँ पर देवी के योनि की पूजा की जाती है। दोस्तों, कामाख्या देवी मंदिर का सबसे बड़ा रहस्य है कि यहाँ हर साल 3 दिन पानी का रंग लाल हो जाता है। जी हाँ, और जब आप इसके पीछे की वजह चलेंगे तो आपका दिमाग चक्कर खाने लगेगा। ये पूरी प्रक्रिया 3 दिन चलती है। इस दौरान ब्रह्मपुत्र नदी का पानी लाल हो जाता है और इस दौरान मंदिर को भी 3 दिन बंद रखना पड़ता है। असल में मंदिर से निकलने वाले लाल पानी को यहाँ आने वाले भक्तों के बीच बांटा जाता है, जिसे लोग प्रसाद के रूप में ग्रहण करते हैं। कहा जाता है कि 3 दिन कामाख्या देवी की महावारी होती है, यानी उन्हें पीरियड्स होते हैं, और इसी वजह से पानी का रंग भी लाल हो जाता है। हालांकि इस बात का कोई भी ऐतिहासिक और पौराणिक प्रमाण नहीं है। देवी के खून की वजह से नदी का रंग लाल हो जाता है, लेकिन हाँ, यहाँ पर आने वाले लोगों का ये कहना है कि ऐसा सच में होता है। पहले जो लोग इन सारी बातों को झूठ समझते थे, वो इस मंदिर में आकर इन सब चीजों को सच मान बैठते हैं, क्योंकि इस मंदिर में तो ऐसी कुछ शक्तियाँ हैं जहाँ पहुँचते इंसान को बहुत ही अलग अलग चीजों के होने को प्रतीत होता है। इस मंदिर में मिलने वाला प्रसाद भी बाकी मंदिरों से बहुत अलग होता है, क्योंकि यहाँ पर प्रसाद के रूप में लाल रंग का गीला कपड़ा दिया जाता है। कहा जाता है जब माता 3 दिन के रजस्वला होती है तो एक सफेद रंग का कपड़ा मंदिर के अंदर बिछा दिया जाता है। 3 दिन बाद जब मंदिर के दरवाजे खोले जाते हैं तो वो कपड़ा माता के खून से लाल रंग में भीगा होता है। कपड़े को अंबुवाची वस्त्र कहते हैं और इसी कपड़े को भक्तों को प्रसाद के रूप में दिया जाता है, जिसे अपने घर लाकर भक्त भगवान के पवित्र स्थान पर रख देते हैं, क्योंकि इस कपड़े की बहुत ही ज्यादा मान्यता है। कहा जाता है कपड़ा जिस किसी के पास भी होता है उसकी सारी तकलीफें खत्म हो जाती है। माता का आशीर्वाद स्वयं उस भक्त
के ऊपर होता है। दोस्तों उसी दौरान यहाँ पर अम्बुबाची मेला भी आयोजित किया जाता है, जहाँ पर लोग बड़े मजे से मेले का आनंद उठाते हैं। अगर हम इस मंदिर के नाम के बारे में बात करें तो इसके पीछे भी एक पुरानी कहानी है। कहते हैं श्राप के चलते कामदेव ने अपना पौरुष खो दिया था, जिन्हें बाद में देवी शक्ति की योनि से ही इस श्राप से मुक्ति मिली। तभी से इस मंदिर का नाम कामाख्या देवी मंदिर पड़ गया। मंदिर की पूजा शुरू हो गई। दोस्तों कामाख्या देवी के इस मंदिर में पूरी दुनिया से तांत्रिक यहाँ तंत्र साधना के लिए भी आते हैं। कहा जाता है जब तक किसी तांत्रिक को माँ कामाख्या का आशीर्वाद न मिले तो तांत्रिक को सिद्धि नहीं मिलती। ये मंदिर हमें स्त्रियों की प्रजनन क्षमता का एहसास कराता है। ये मंदिर इस बात को साबित करता है कि माता अपने हर रूप में पवित्र है, और ठीक उसी तरह स्त्रियों का भी ये रूप छोटा नहीं होता, बल्कि लोगों को उसे समझना चाहिए। अब आप खुद ही सोचिए, जो लोग एक मंदिर में जाकर माता की योनि के रूप की पूजा करते होंगे, उनका मन कितनी भक्ति और आस्था से भरा होगा। उनके लिए माता का हर रूप पूजनीय है, और ये मंदिर अगर चमत्कारिक न होता तो भला दुनिया भर के तांत्रिक इस मंदिर में आशीर्वाद लेने क्यों आते हैं। जाहिर सी बात है, इस मंदिर में कोई ना कोई खास बात जरूर है जो हर किसी को बांध रखती है। बाकी दोस्तों आपका वीडियो के बारे में क्या कहना है कमेंट में बताइए। ऐसे वीडियो को लगातार देखते रहने के लिए चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें ना भूलें। हम फिर मिलेंगे नए वीडियो में।